What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 25th October 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:07 हो रहे हैं। कल हमने देखा दो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट बाहर आ गए। एक स्टेट में एनडीए को बहुमत नहीं मिला, दूसरे स्टेट्स में एनडीए को बहुमत मिला है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर सरकार बन सकती है। लेकिन अभी भी कुछ निगोशिएशन होना बाकी है, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है। तो कल भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। लास्ट दो तीन दिन से देख रहे हैं हम 11,700 के ऊपर ये जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ थोड़ा कम गिर रहा है और एक रेंज में 100 पॉइंट्स के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर 11,700 क्या सही में हर्डल है? यहाँ से अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव होता है तो कहाँ पर सपोर्ट है? अभी नेक्स्ट दिवाली की छुट्टी आ रही है, मंडे छुट्टी है, तो लगातार वीकेंड के बाद भी एक हॉलीडे है, तो हो सकता है ओवरनाइट पोजीशन कोई कैरी ना करे, आज जो भी पोजीशन है वो क्लियर करे, तो एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट में भी अगर देखें तो थोड़ा सा अभी फिर से एक बार दबाव में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज निफ्टी में क्या टेक्निकल लेवल्स हो सकते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 24th October आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,652 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,555। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ब्रेकआउट लेवल के पास ही कल ओपन हुआ और शुरू के 5-10 मिनट में ही हमारा फर्स्ट टारगेट 11,670 ये यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और लास्ट कुछ आर्स बचे थे तभी हमारा ये ब्रेकडाउन लेवल जैसे ब्रेक होता है, तो एग्जैक्ट जो फर्स्ट टारगेट था वही पे कल का लो था और ये टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट 11,533 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफी कल भी एग्जैक्ट लेवल एक्यूरेट साबित हुए। तो 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। जो नए लोग हैं उनके लिए एक बताना चाहूंगा, जो ब्रेकआउट लेवल और टारगेट प्राइस होता है उसके बीच में हमें ट्रेड करना होता है। एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ऑर्डर लगाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करना यानी 10 या 15 मिनट के चार्ट में इस लेवल के ऊपर क्लोज होना, उसके बाद में हम यहाँ पर पोजिशन अपना बना सके। और ब्रेकआउट लेवल और टारगेट प्राइस ये लेवल टू लेवल हमें प्रॉफिट मिले ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी ट्रेडर एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल से टारगेट तक पूरा रेंज कभी भी कवर नहीं करता। अगर ये 20 पॉइंट का रेंज है समझिए तो उसमें से 10 पॉइंट भी हमें मिले तो बहुत है। तो ट्रेडिंग करते वक्त इसका ध्यान रखें, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस ही स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेड करना है ये आपको सबसे बड़ा टीचर होगा आपका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले हमने कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर लिया। ट्रेडिंग फैब का एक ऑफर है उसके बारे में मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और 5paisa का। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है बैंक निफ्टी इक्विटी और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए वो एब्सोल्युटली फ्री मिल सकती है। आपको सिर्फ यहाँ से इस लिंक के थ्रू आपको अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर करना है। ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन कर हो सकता है अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो। और अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है, आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म होने के बाद आपको प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड किया जाएगा। अपस्टॉक्स और 5paisa में अकाउंट ओपनिंग एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और अपस्टॉक्स का एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 31st October के पहले अप्लाई करते हैं तो ये पार्टनर 300 का प्रोमो कोड आपको यूज करना है ताकि आपको 300 रुपीज़ का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिले। ये ऑफर 31st October तक ही है, ठीक है?
तो ये एक ऑफर है ट्रेडिंग फैब की तरफ से। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, हालांकि नाजडेक 66 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो सभी हरे निशान में कल बंद हुए थे, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो दबाव देखने को मिल रहा है। निक्केई चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट में लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 28 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, और एसजीएक्स निफ्टी 32 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो एशियाई बाजार में इस समय दबाव देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। दो तीन दिन से एक कंसोलिडेशन फेस चल रहा है। ये हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था, और ऊपर इसका 61.8% का ये जो लेवल है ऑलमोस्ट अचीव्ड हो गया है। तो इसके यहाँ पे एक हर्डल बना है। ये कप एंड हैंडल का हमने पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। लास्ट दो तीन दिन का अगर आप वीडियो देखें तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करके दिखाया था। इसका नेक लाइन भी 11,700 के पास आ रहा है, तो ये हर्डल है। इसके ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही हमें अपसाइड रैली यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद वीकेंड की छुट्टी है, और मंडे दिवाली की छुट्टी है। तो उसके बाद अगर कोई फ्रेश पोजीशन आता है तो 11,700 के ऊपर हमें यहाँ पर पोजीशन हम बना सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप ये देखें, लास्ट कुछ पास्ट का ये एनालिसिस करें, यहाँ पर तो ये जो 11,700 का लेवल है अभी, ये यहाँ पर एकदम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तीन बार यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ है, ये तीसरी बार है। अभी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो ये 23.6% के नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें नेक्स्ट लेवल फिर 38.2% का 11,475 ये अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके बाद 20 एएमए तक निफ्टी इंडेक्स हमें मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये थर्ड अटेम्प्ट है 11,700 को पेनेट्रेट कर रहा है। इसके ऊपर अगर कोई डिसीजिव मूव आता है तो ही हमें यहाँ से रैली अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने यहाँ पर आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन का डाइवर्जन देखा था। यहाँ पर फ्लैट था प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पर ये फ्लैट ट्रेड कर रहा था, और नीचे आरएसआई ने लोअर हाइज बनाया था, और उसके बाद हमें प्राइस में भी ये फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये आरएसआई का डाइवर्जन है। अभी यहाँ पर कल देखे तो 50 ईएमए का इसने सपोर्ट टेस्ट किया था, और लास्ट जो 1.5 आर बचा था तभी ये जो बियरिश कैंडलस्टिक पे इसके पहले ये फॉर्म हुआ था, इसके बीच में ही ये ट्रेड कर रहा था। तो 60 मिनट के चार्ट में आज क्या ब्रेकआउट लेवल हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बियरिश कैंडल का हाई और लो आज के लिए ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो बियरिश कैंडल का हाई है यानी 11,615 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,633, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,651, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है, अगर ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो कंफर्टेबली इसको ये बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होने दीजिए 11,533, तो ही शॉर्ट पोजीशन बनाए। क्योंकि अगर यहाँ से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो फर्स्ट इमीडिएट ये सपोर्ट का काम कर सकता है 50 ईएमए। कल हमने देखा दो बार यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है आर्ली चार्ट में, और फिर एक बाउंस बैक दिखाया है। तो इसको ब्रेक होने दीजिए कल का लो और 50 ईएमए, उसके बाद ही यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन हम बना सकते हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा ये S1 का पिवट पॉइंट जो कि 11,518 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा काफ़ी बड़ा हो सकता है 11,483, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग.